असलकम डियर स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने सोशल एंटरप्रेन्योर्स की ट्रांसफॉर्मेशनल कम्पटेंसीज के बारे में बात की लेकिन आपने अब तक नोट कर लिया होगा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप महज ख़्वाब नहीं है कोर्स इट्स इट्स अ कमिटमेंट लेकिन उस ख़्वाब को पूरा करने के लिए जो खून पसीना बहाना पड़ता है वो कुछ और कम्पटेंसीज रिक्वायर करता है डे टू डे लाइफ में मंडेन एक्टिविटीज़ जो करना होती हैं सोशल एंटरप्रेन्योर ने वो कुछ खास किस्म की कंपटेंसीज रिक्वायर करता है जिसको हम ट्रांसैक्शनल कंपटेंसीज कहते हैं चार तरह की ट्रांसैक्शनल कंपटेंसीज सोशल एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले दे एस्टैब्लिश हाई परफॉर्मिंग टीम्स इसमें उनको टैलेंट हंट करना होता है बेहतरीन लोग जो हैं वो ढूंढना उनको आइडेंटिफाई करना और बेहतरीन लोग ढूंढना काफी नहीं है बल्कि उनको प्रॉपर टास्क असाइन करना मसलन अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट आइडेंटिफाई करते हैं उसका नेचुरल टैलेंट है कंप्यूटर में लेकिन अगर उसे सोशल मोबिलाइजेशन का काम दे दिया जाए तो शायद उसका टैलेंट ज़ाया हो जाएगा सोशल एंटरप्रेन्योर में ये कंपटेंसी होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके बल्कि उसको एक प्रॉपर टास्क असाइन कर सके और ना सिर्फ टास्क असाइन कर सके बल्कि वो रियल टाइम फ्रेम में हो कि कितने टाइम में उस बंदे ने अपने टैलेंट के हिसाब से उस काम को उस टास्क को अचीव करना है और ये कोई इंडिविजुअल नहीं होता जो एक सोशल एंटरप्राइज में काम कर रहा होता है ये टैलेंटेड लोगों की एक टीम होती है और जहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग जमा हों ऑफ कोर्स उस टीम को ले चलना उसकी लीडरशिप जो है वो इन इट्स एक स्किल है जो सोशल एंटरप्रेन्योर से एक ख़ास किस्म की कॉम्पटेंसी रिक्वायर करती है कि वो उस टीम को कैसे बिल्ड करता है उसको कैसे साथ लेकर चलता है कि वो आपस में उनका टैलेंट जो है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो और वो इकट्ठे होकर चल सकें परफॉर्म कर सकें और अपने कर, अपने टाइम फ्रेम में रहकर अपने अपने टास्क को अंजाम दे सकें अ सेकंड सेट ऑफ कम्पटेंसीज जो कि एक सोशल इंटरप्रेन को चाहिए वो एक दफ़ा एक एंटरप्राइज के इस्टेब्लिश होने के बाद उसको ओवर द लॉन्ग टाइम सस्टेन करना है जिसके लिए उसे स्ट्रक्चर्स, रूल्स एंड रेगोलेशन की ज़रूरत पड़ती है सोशल एंटरप्राइज के रूल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल से ज़्यादा मुख्त नहीं है वही एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ गवर्नरस रूल्स ऑफ बिजनेस ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ताकि अगर एंटरप्रेन्योर खुद मौजूद ना भी हो तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर सके और काम आगे बढ़ सके तीसरा सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज जो सोशल एंटरप्रेन्योर को ट्रांजेक्शनल टर्म्स में चाहिए वो सुपरविजन है सुपरविजन से मुराद ये नहीं है कि वो बॉसिंग अराउंड करे कि लोगों को देखे गलती कर रहे हैं तो जरा डांट फटकार कर दी बल्कि सुपरविजन से यहाँ पे मुराद मैनिटरिंग और कोचिंग है लोग लोगों को परफॉर्मेंस उनकी देखकर उसको एवेल करके जहाँ कहीं कमी है उसको आइडेंटिफाई करके अगर ज़रूरत है तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाए अदरवाइज जस्ट मैंनेटरिंग के ज़रिए से काम को बेहतर बनाया जा सके सुपरविजन से मुराद सिर्फ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना उनको ट्रेन करना लोगों को उनकी वीकनेसेस के अगेंस्ट ही नहीं है बल्कि उसमें लोगों की स्ट्रेंथ को रिकगनाइज करना भी शामिल है चौथी कॉम्पिटेंसी जो ट्रांज़ेक्शनल टर्म्स में एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए होती है वो वॉल्टियर्यर्यर्यर्यर्यर्स को रिटेन करना अमूमन सोशल इंटरप्राइजेस जो हैं वो वॉल्टियर्यर्स के साथ काम करते हैं पेड स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं होता और वॉल्टियर्यर्यर्यर्यर्यर्स को और कुछ नहीं तो रिकग्निशन और रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है कि किस तरह से उनकी खदमात को रिकगनाइज़ किया जाए कोई छोटा मोटा उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम रखा जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म पर चल सके इन शॉर्ट सोशल एंटरप्रेन्योर्स की ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज में जो स्किल्स इन्वॉल्व हैं वो सेल्स मार्केटिंग, फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजिंग और वॉल्टियर और सुपरविजन इस किस्म की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने वाली कॉम्पिटेंसीज हैं वो शामिल हैं ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जिनके ज़रिए से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने एंटरप्राइज के काम को डे टू डे बेसिस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर जो छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं उनको हल करते हुए लेकर आगे चलता है थैंक यू